अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद घुसट है और किसी भी लाहौरी की तरह मेरा ख्याल है मेरा बचपन भी जॉयलैंड के बग़ैर बिल्कुल अधूरा होता। और बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है कि जो सबसे बड़ी कोई एक्साइटमेंट होती थी बाहर जाने की वो जॉयलैंड होती थी। कभी लॉरेंस गार्डन में या रेस कोर्स में पिकनिक के लिए चले जाते थे, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट एंटरटेनमेंट होता था वो होता था कि हम जॉयलैंड कब जाएंगे। और आज मेरा ख्याल है मैं काफ़ी अरसे बाद, कोई 10-12 साल बाद तो आया हूँ, लेकिन कुछ यादें वहीं की वहीं हैं, कुछ चीज़ें वैसी हैं, जो जगह की वाइब है वो वैसी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में आप देखते हैं आपको बहुत बड़ी लगती हैं और फिर जब बड़े होते हैं वो आपको छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जगह कुछ उल्टा हुआ है कि आज जब मैं हूँ तो मुझे जॉयलैंड बहुत बड़ा लगने लग गया। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे शहर में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग आके अपने बच्चों के साथ हंस सकते हैं, खेल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि कोरोना के दिनों में जितना उदास मैंने अपने शहर को देखा, तो आज हम यहाँ शूट करने के लिए जब आए तो बिल्कुल क्लोजिंग आवर से पहले था, तो इतने लोग थे। खुशी हुई कि ज़िंदगी की तरफ भी लोग वापस आ रहे हैं। तो बस इसी तरह अल्लाह करे जॉयलैंड हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सा जॉय लाता रहे और ये नई नई राइड्स इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है। कुछ राइड्स मुझे बचपन में याद है बहुत खौफनाक होती थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक होती थी, बट अब मैं नोट कर रहा हूँ कि हर चीज़ बहुत सेफ़ लग रही है, मतलब इवन इन टर्म्स ऑफ क्लिनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो थम्स अप सारी जॉयलैंड की टीम को, और जॉयलैंड हमारा अपना है और हमें बड़ा अच्छा लगता है।